मैंने काफी बिल्कुल काफी सत्संग में सुना भी है और पढ़ा भी है कि गुरुजी कहते थे फाइनेंस का काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लेन देन पैसे का जो होता है इसमें आपको नहीं पता आप किसी को पैसे अगर दे रहे हो, लेंड कर रहे हो, वो उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उसके थ्रू आपको कौन सी नेगेटिविटी आ रही है, कल को वो आपके पैसे नहीं लौटा पा रहा, सो ये एक टाइप की उधारी है और आप उससे मांग रहे हो, सो दिस इज ऑल नेगेटिविटी बेस्ड। और कल को जब देने का टाइम आता है तो आपको कौन किस तरह से कर्स कर दे और कहाँ की नेगेटिविटी आपके अंदर कब पहुंच जाए कुछ पता नहीं होता। सो गुरुजी ऑलवेज सेड ये वाला काम कदे नहीं करना चाहिए, द फाइनेंस का काम बड़ा माड़ा काम है गए। सो आई मीन दिस इज वाई गुरुजी ऑलवेज सेड के फाइनेंस का काम नहीं करना चाहिए। जी जी एंड अब मैं आप अपनी, हाँ जी संगत शुरू करें प्लीज, संगत स्टार्ट करें। जय गुरु जी। हाँ जी मैं आज अपनी जर्नी गुरुजी के साथ, मेरा नाता कब से है ये कहना बहुत मुश्किल है संगत जी, किसी को कोई नहीं बता सकता बिकॉज ये गुरुजी को ही पता है, बट यस हमें उन्होंने कब और कैसे ब्लेस करना है, ब्लेस तो हम सारी हैं, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई मिला है, बस ये लगता है कि यस वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने उस महाशिव को एक ह्यूमन अवतार में देखा, फ्लैश एंड ब्लड में देखा, एंड अब एहसास होता है कि हमने एक्चुअली सचखंड के दर्शन किए हुए हैं उस टाइम, बिकॉज तब हमें कोई आइडिया ही नहीं था, गुरु जी ने हमें आइडिया लगने ही नहीं दिया। सो आई विल स्टार्ट माई जर्नी टूडे एंड गुरु जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी कि आपने इतनी प्यारी संगत को माध्यम बनाया कि मैं अपनी जर्नी उनके साथ शेयर कर सकूं, सो बिकॉज सुनाने वाला सत्संग और सुनने वाले दोनों ही बड़े ब्लेस्ड होते हैं, एंड कोई भूल चुक हो जाए गुरु जी तो उसके लिए बहुत माफी, क्योंकि आपकी उस्तत करना कोई छोटी बात नहीं है, वर्ड्स छोटे पड़ जाते हैं एंड हमारी इतनी औकात भी नहीं है, बट यस गुरु जी आपने जितना अपनी इतनी प्यारी संगत को इतने प्यार से ब्लेस किया, हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, तो वो शेयर हमें जरूर करना चाहिए। एंड कई सत्संग रिपीटेड भी होते हैं, बट गुरु जी कहते हैं रिपीटेड सत्संग सुनना भी एक ब्लेसिंग है, दिस इज अ सेवा, सत्संग में बैठना, सत्संग सुनना, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनना एक सेवा है, बिकॉज आपको नहीं पता आपको कौन सा मैसेज मिल जाए और आप कब आपके आंसर्स मिलके आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग ट्रांसफर होए। सो आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी। सो गुरुजी से चोला छोड़ने के कुछ महीने पहले गुरुजी ने हमें अपने उस हेवनली दरबार में बुलाया, एंड मेरे मामा जी जाते थे, मामा जी मामी जी काफी टाइम से कनेक्टेड थे, बहुत पहले की संगत। सो एक दिन वो मेरे मॉम डैड के घर आए मिलने, एंड उनके हाथ में महाशिवरात्रि का बड़े मंदिर का फंक्शन का कार्ड था। सो माई फादर वॉज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, हम इस धरती पे आए हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स से हम जूझते रहते हैं। सो मैं मेरे पापा को कोई ना कोई कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड बहुत ही वॉज लाइक वेरी वेरी डिस्टर्ब, तो मेरे मामा जी से ऐसे उन्होंने शेयर की, तो उन्होंने वो कार्ड उनके हाथ में थमा दिया, कहते हैं आप जीजा जी आप आओ, गुरु जी हैं उनके दरबार में आओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप आओ और उनसे मिलो। सो मेरे फादर को पहले से ही बड़ा था कि इसको हाथ दिखाना है, वो पत्री, ये उपाय, वो उपाय बहुत करते थे। उन्होंने कहा बहुत माने हुए गुरुजी, मेरे पापा को कोई आइडिया नहीं था, बस जो जो बोलता था वो वैसे ही वहीं पहुंच जाते थे। सो एज यूजुअल मेरे पापा पहुंच गए वहां पे, एंड पहले मम्मी और पापा गए, एंड उसके बाद उन्होंने महाशिवरात्रि का फंक्शन भी अटेंड किया बड़े मंदिर में। तो जब मेरे पापा गए उनके पास गुरुजी के पास, तो क्या होता था हम लंगर खा के आज्ञा लेते थे गुरुजी से, और जिसको बोल देते थे कि बैठ जाओ वो बैठ जाते थे, जिनको ब्लेस ऐसे कर देते थे ऐसे ऐसे करते थे कि चलो अब जाओ। सो जब मेरे पापा उनके चरण स्पर्श करने गए तो कहते हैं आज तो तुम्हारी डायबिटीज खत्म कर छड़ी, एंड माई फादर इज 80+ एंड ही वॉज अ डायबिटिक, ही वॉज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, बट टच वुड इन टूडेज डेट ही इज कम्प्लीटली डायबिटिक, डायबिटीज फ्री। एंड गुरु जी ने बोला फिर बड़े मंदिर आंदे रहा करो, बस ये बोला। उसके बाद गुरु जी के साथ तो बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वो अपने आप बुलाते थे, वी जस्ट कुड नॉट अप्रोच हिम। सो उन्हीं दिनों मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार हो गए थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, एंड ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो हम अपने काफी बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, एज यू नो कैसे होता है कि हॉस्पिटल जाना आना सब करना। सो मेरे को मम्मी को इतना मौका ही नहीं मिला कि मुझे बताएं कि वो कहाँ जा रही हैं क्या है, बट एक दिन मेरे पापा ने, अभी वो 2-3 बारी होके आए थे, तो मेरे पापा ने मुझे बोला अच्छा गुरुजी ने उनको एक शादी का भी कार्ड दिया संगत की,
फार्म हाउस में शादी थी, तो मम्मी पापा वहां भी होके आए, शादी अटेंड करके आए जहाँ गुरु जी आए हुए थे। सो मेरे पापा ने मुझे बोला, दैट वॉज 14th of February, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट वेरी क्लियरली। एंड मेरे पापा कहते हैं तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगा, एंड हमने गुरु जी के यहाँ जाना है। एंड मेरे हस्बैंड तब गए हुए थे हॉस्पिटल मेरे फादर इन लॉ के पास, तो मैंने कहा अच्छा होंगे कोई गुरु जी, अनदर एस्ट्रोलॉजर और बाबा जी कोई उपाय बताएंगे, एंड हम भी बहुत परेशान चल रहे थे ड्यू टू माई फादर इन लॉज हेल्थ। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं सर कि वरुण इज माई हस्बैंड, सो ही सर वरुण को बोलेंगे वहीं ज्वाइन कर लेंगे हमें। मैंने कहा ठीक है। सो हम पहुंच गए वहां पे, मम्मी पापा ने मुझे पिक किया, मेरा बेटा तब 7 साल का था, एंड हम दोनों वहां पहुंचे, एंड हमने बाहर गाड़ी खड़ी की, एम्पायर स्टेट में बाहर गाड़ी खड़ी होती थी, अंदर आपको चल के जाना होता था। सो वहां हमने अपने जोड़े उतारे, मैंने दूर से बड़ी शब्द वाणी की आवाज आ रही थी, बहुत बड़े अच्छे एटमोसफेयर, द एंटायर एनवायरमेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सो मैंने कहा मम्मी यहाँ पे कोई आसपास गुरुद्वारा है कि शब्द चले? मम्मी कहती है जहाँ जा रहे हैं वहां शब्द चल रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुई, मैं कहा अच्छा वेरी नाइस, मैं मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होगी। और जब संगत जी हम उस दरबार में पहुंचे, हमने कदम रखा, पहले तो मैं संगत को देख रही थी इतने डिसिप्लिन मैनर में, सब बैठे थे, चाय प्रसाद जल प्रसाद सर्व हो रहा था, सेवादार अंकल थे, जोशी अंकल सिंगला अंकल वो सर्व कर रहे थे। एंड तब मेरी नजर गुरुजी पे पड़ी। गुरुजी अभी आज भी मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मेरे गूज बम्स हो जाते हैं। गुरुजी अपने ब्यूटीफुल रेड और गोल्ड चोले में अपनी ब्यूटीफुल थ्रोन पर विराजमान थे, एंड इतने प्यारे लग रहे थे गुरुजी, इतने प्यारे, उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग, इतनी शाइन स्किन पे, मेरी तो उनपे से नजर ही नहीं हट रही थी। और मैं चुपचाप बैठ गई, बट गुरुजी का देखने का अंदाज हम सबको पता है, जिन लोगों ने उन्हें स्वरूप में देखा है, वीडियोज इतनी आती हैं आजकल कि कैसे गुरुजी एकदम एक बंदे को देखते थे फिर एकदम नजर अपनी उधर कर लेते थे, बट हमें लगता था उनका मुंह उधर फिर गया, बट हमें नहीं पता था कि वो अगर राइट में देख रहे हैं तो भी वो सारी तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट में देख रहे हैं तो भी सारी तरफ देख रहे हैं। एंड आई गॉट वेरी इंटिमिडेटेड बाय हिज लुक्स, एंड मैं चुप करके वहां बैठ गया। मुझे था कि इतना डिसिप्लिन था, मेरा बेटा भी सरप्राइजिंगली, मेरी तो बच्चा छोटा ही था पर उसने आज तक कभी तंग नहीं किया उस दरबार में जाके, एंड बहुत प्यार से वो बैठता था एंड शब्द सुनता था। सो हमें चाय प्रसाद सर्व हुई, एंड मेरे बेटे ने बोला मैं तो चाय पीता नहीं, तो अंकल कहते हैं पीनी पहन लिया थे, तो बड़े स्ट्रिक्टली बोले, हमें नहीं पता था कि वो स्ट्रिक्टनेस गुरुजी की स्ट्रिक्ट दी हुई स्ट्रिक्टनेस थी, एंड उस स्ट्रिक्टनेस में भी एक प्यार था, एक ब्लेसिंग थी। तो हमें नहीं पता था कि वो एक नॉर्मल चाय नहीं है, वो हमारी दवाई है जो हमारे जन्मों जन्मों के पता नहीं कौन से आने वाली कोई मुसीबत कोई बीमारी हमारी खत्म कर देती है चाय प्रसाद। सो हमने बैठ के वो ग्रहण किया, फिर हमने फिर कहते अच्छा आप चार चार लोग इकट्ठे हो जाओ, जैसे जैसे सब कर रहे थे हम देखते शब्द चलते रहे, और मैं तो मतलब मेरे लिए वो एटमॉस्फेयर मैंने मैं बयान ही नहीं कर सकती कि मैं क्या व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू दैट टाइम। अच्छा मेरे हस्बैंड ने हमें ज्वाइन करना था, तो मैंने कहा ये यहाँ तो इतना डिसिप्लिन है, मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो तो आई थिंक बात करना भी नहीं अलाउड, तो मुझे कैसे ढूंढ लेंगे। संगत तो थोड़ी होती थी, हार्डली एनी, बट फिर भी जब आप तो मैं बाहर जाके जो एम्पायर स्टेट में जहाँ भी गणेश जी है वहाँ वो जो वेरांडा है मैं वहां जाके बैठ गई पैरापेट पे, एंड थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आए और मैंने वो चुप करके बैठ गए, चाय प्रसाद उनको सर्व हुआ सब। एंड मैं मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी मानते नहीं थे किसी गुरु में या एस्ट्रोलॉजर में, और संगत जी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता थे, लग तो गुरु जी ही वॉज लुकिंग वेरी डिफरेंट देन वॉट आई मीन मैंने जितने भी गुरुओं के पास, गुरु के पास तो खैर हम कभी नहीं गए थे, पर एस्ट्रोलॉजर बाबा जो भी होते थे जाते थे, गुरुजी उनसे कुछ अलग थे, बट हमें फिर भी एहसास नहीं था। इसलिए मैंने कहा मेरे हस्बैंड यहाँ आना चाहेंगे कि नहीं, मेरे मन में वही हलचल लगी हुई थी। एंड मैंने मन में कहा कि जो भी जगह है ना मैं आना चाहती हूँ और मैं आते रहना चाहती हूँ। एंड यस रेस्ट अश्योर्ड गुरुजी ने तो हमें बुला नहीं था, हम तो कोई नहीं होते उनकी मर्जी के बिना, तो हम पैर भी नहीं रख सकते उस दरबार में। एंड श्योर इनफ उसके बाद हमारा उस दरबार में 4 दिन हफ्ते में जाना शुरू हुआ, गुरुजी बुलाते गए हम जाते गए। सो ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को हम जाते थे, हम यूजली मोस्टली 6 बजे वहां पहुंच जाते थे, एंड गुरुजी कभी तो बैठे होते थे कभी वो तैयार होके उनको अंदर से आते थे, इतना ब्यूटीफुल चोले पहनते थे, ब्लू पिंक रेड, इतने सुंदर चोले, मैं सोचती थी गुरुजी के चोले कहाँ से बन के आते होंगे, कौन इनका डिजाइनर होगा, मतलब हम तो देखते रह जाते थे उनको।
एंड कई बार वो चल के जाते थे तो उनका चोला नीचे इतना हैवी बॉर्डर होता था, वो हमको टच करते हुए जाता था एंड हमें नहीं पता था कि उसमें इतनी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एंड उसके बाद एक दिन हमारा बड़ा मन करता था कि कोई उनके हाथ दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, समझ कुछ नहीं आती थी। अब पता चलता है जो गुरु जी कहते थे, अपनी सोच अपनी अकल जुतियां नाल बाहर छट के आया करो। हम मेरी एंड आई फेल इन लव विद गुरु जी द वेरी फर्स्ट डे। आई टुक टू हिम लाइक फिश टेक्स टू वॉटर। मेरे को इतना मतलब मैंने मेरे माइंड में कभी कोई क्वेश्चन आए ही, मैंने कहा मेरे को यहाँ बिकॉज वो इतना माहौल इतना अच्छा था, शब्द बानी चल रहे हैं और चार लोग एक साथ लंगर प्रसाद खा रहे हैं बैठ के। थोड़ा शुरू में अजीब भी लगा बट उसके बाद इतना मजा आने लगा। और इतना सिंपल लंगर संगत जी, इतना सिंपल, एक सब्जी रोटी दाल हरी चटनी जरूर होती थी बिकॉज गुरु जी यूज टू लव हरी चटनी एंड एक कड़ा प्रसाद होता था या कोई भी मिठाई। कुछ संगत भी कुछ लाते थे, वो गुरु जी बांट ही देते थे संगत में। सो लाइक दैट सिलसिला चलता रहा और मेरे को लगता था गुरु जी हमसे कब बात करेंगे। अच्छा, जब हम घर आते थे तो गाड़ी में कभी एकदम फ्रेग्रेंस आ रही है एंड फ्लावर्स की, हमें नहीं पता था कि वो गुरु जी की एक्चुअल फ्रेग्रेंस है जो हम अपने साथ लेके आ रहे हैं, विच वॉज अ बिग ब्लेसिंग। हाथों में इतनी आती थी, एक दिन मैंने कहा मैं ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम गुरु जी के चरण टच करते थे उन दिन तो ऐसे कोई फूलों की इतनी डेकोरेशन नहीं होती थी, वहां पे कुछ नहीं, सिर्फ गुरु जी बैठे होते थे सिंपल अपना दरबार। एंड मैं कहती थी फ्रेग्रेंस कहाँ से आती है, इट्स लाइक फ्लोरल फ्रेग्रेंस। एक दिन मैंने कहा चलो आज मैं हाथ नहीं धोती, मैं देखती हूँ फ्रेग्रेंस कितने दिन तक रहती है मेरे हाथों में। सो वो जितनी देर गुरु जी ने रखनी होती थी रखते थे, उनकी मौज थी जो हमने ली, बट समझ फिर भी कुछ नहीं आता था। सो लाइक दैट, बट ये लगता था गुरु जी हमसे बात कब करेंगे, शायद यू नो अच्छा वहां पे सारे आई मीन डिग्निटरीज भी आए होते थे, पॉलिटिशियंस एज यू ऑल नो, सो सामने बैठे होते थे। तो एक दिन जब हमने क्या कहते हैं हमारा हम आज्ञा ले रहे थे लंगर खाने के बाद, हाथ धोने जाते थे फिर आज्ञा लेते थे गुरु जी के चरण छू के। सो हम आज्ञा लेने गए तो गुरु जी ने पूछा, मेरे मामा जी भी आए हुए थे उस दिन, सो मैं पूछा मम्मी को देख के ए कौन है, पता उनको सब कुछ था, जानी जान है हमारे गुरु जी। तो मेरे मामा जी कहते हैं ये मेरी सिस्टर है, सभरवाल फैमिली है। अच्छा, तो कहते हैं बड़े सभरवाल होंगे संगत में बहुत, गुरु जी कहते हैं सभरवाल बड़े इकट्ठे हो, इनमें सभरवाला भी मीटिंग करा दो। हंस के हमारी भी हंसी निकल गई, मैंने कहा गुरु जी तो बड़ा हंस के बात कर रहे हैं ना, तो हम बड़े खुश हो गए। तो मेरे हम ऐसे पीछे खड़े थे मम्मी पापा के, सो गाड़ी में जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला, कहते हैं कि इंट्रोडक्शन थोड़ा ठीक नहीं हुआ, वो मेरा उन्होंने इंडिविजुअल नाम तो पूछा था, हम सारे सभरवाल फैमिली हो गए तो कल को गुरु जी ने मुझे एड्रेस करना होगा तो कैसे करेंगे, वो सोचेंगे मैं भी सभरवाल हूँ तो मेरा नाम कैसे पता चलेगा उन्हें, मेरी मतलब हम सबका इंडिविजुअल नाम। मूर्खता थी हमारी क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था, नादान थे बहुत। सो मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटे, अब तो गुरु जी मौका देते हैं बात करने का, जब मौका मिलेगा हम गुरु जी से इंट्रोडक्शन प्रॉपर कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम ये गाड़ी में बात कर रहे हैं रास्ते में घर जाते टाइम, एंड यू वोंट बिलीव नेक्स्ट डे हम जब गए तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, वो भी जल्दी बुलाना भी आई थिंक वो भी गुरु जी का ही यू नो होता है कि हमें कब वो घर से निकाल रहे हैं, कब हमें उस तरफ का यू नो रास्ते पे पहुंचा रहे हैं। सो हम बाय चांस जल्दी चले गए। उस दिन दरबार में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली दरबार था, सिर्फ नवराज अंकल थे जो डीजे अंकल बोलते थे जिनको, जो वहाँ पे शब्द बानी लगाते थे एंड वो बैठे थे, तो हम वहीं पे जाके कारपेट पे बैठ गए। दो मिनट बाद हमने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठे तो फिर हमने देखा लेफ्ट में से गुरु जी चल के आ रहे हैं, ग्रे कलर की ट्राउजर, ग्रे कॉलर वाली टी शर्ट एंड बड़े कलरफुल उन्होंने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे और हंसते हैं, पीछे उनके एक दो संगत थी सेवादार थे। सो बड़ा हंसते हंसते बहुत मस्ती वाले मूड में, तो एक सेकंड के लिए तो मैं भी शॉक में कर, ये गुरु जी है। तो हम उनके वो आके एम्पायर स्टेट में जो जिसने देखा हुआ है किचन के बाहर एक साइड बोर्ड पड़ा हुआ है, गुरु जी उस साइड बोर्ड पे जाके बैठ गए, एक टांग उन्होंने फोल्ड कर ली, एक टांग नीचे ऐसे लटकाई हुई थी एंड बहुत स्माइल कर रहे थे, इतनी प्यारी स्माइल, इतनी प्यारी स्माइल कि मैं बता नहीं सकती। एंड हम उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए, उन दिनों जय गुरु जी नहीं बोलते थे, बस हाथ जोड़ के नमस्ते जो भी यू नो मतलब उनके आगे बस हम नमन करते थे। सो गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को बोला उरिया, तो मेरे हस्बैंड ने इधर उधर देखने लगे कि मुझे बुला रहे हैं, हम थे और फिर एक दो एक हस्बैंड वाइफ और आ गए थे, बस दैट वॉज इट, मतलब हार्डली वी वर 8 पीपल देयर। तो मेरी सिस्टर भी जाती थी, मेरी नीस जाती थी, हम सारे जाते थे, मेरे पेरेंट्स। तो कहते हैं कि उरे ना की है तेरा,
तो मेरे हस्बैंड ने कहा, थोड़ा तो घबराहट होती थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वरुण, कहते पूरा नाम दस, तो मेरे हस्बैंड जट सिख है, तो कहते हैं वरुण जीत सिंह सराह, तो कहते हैं अच्छा सरदार है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सरदार हाँ, बट पग कदे नहीं बंदी, तो कहते हैं हंस के कहते हैं मैं भी सरदार हूँ, मैं भी कदे पग नहीं बंदी, तो हम हंसने लग गए। इट वॉज अ वेरी लाइट कैंडिड मोमेंट विद गुरु जी। सो फिर कहते हैं अच्छा की कर दे, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड पायलट थे, फ्लाइंग कर रहे थे, एंड उन्होंने पहले लुधियाने काफी रहे मेरे हस्बैंड एंड सानेवाल एंड ऑल, फिर उसके बाद यूएस गए थे। कहते हैं अच्छा की कर दे, मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तो मेरा बिजनेस है, पहले मैं पायलट था, फ्लाइंग करता था, बट कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस। एंड अच्छा लुधियाने तो कितनी है, तो तू कभी मलेरकोटला नहीं आया, डुगरी नहीं आया मेरा पिंड? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, मे बी आई मे हैव फ्लोन अक्रॉस, बट मैं कभी ऐसा गया नहीं। कहते अच्छा आया कर डुगरी, या कभी मलेरकोटला? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी जरूर। अच्छा फिर मुझे कहते हैं, कहते अच्छा जा, फिर मुझे कहते हैं मेरी तरफ बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, तो ध्यान रखे तो। अब हमें नहीं पता था वो चंगा मुंडा क्यों कह रहे, हमारे लिए चंगा मुंडा ओके वेरी गुड पर्सन, गुड यू नो विच ही इज नो डाउट। मैंने कहा, मैंने बड़ी हंस के बोला, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा आज तो मौका मिला है, गुरुजी भी मस्ती कर रहे हैं, तो हम भी बड़े वेरी नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर में, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं तो बड़ा ध्यान रखती हूँ इनका एंड हम हंसने लगे, तो दैट्स इट। उसके बाद हमारा वही रूटीन चलता रहा। फिर अप्रैल में हमें बैसाखी का कार्ड मिला, बैसाखी फंक्शन हमने अटेंड किया, तब संगत हल्की हल्की बढ़ने लग गई थी, काफी संगत थी बैसाखी में। एंड मुझे अभी भी याद है जब हम एंटर कर रहे थे बड़े मंदिर में, जो जब सीढ़ियां चढ़ते हैं पोर्च है, तो जब हमारी हम एंटर करने लगे थे, काफी संगत अंदर बैठी थी, गुरुजी अभी गद्दी पे नहीं थे, तो हमें रोक लिया गया कि अभी गुरुजी आने वाले। फिर वो जो व्हाइट दरवाजे है उनकी गद्दी के, जो वहां से गुरुजी येलो कलर के ब्यूटिफुल चोले में चल के आए, और फिर हमें भी जाने दिया। फिर हमने उनके बस उनको ऐसे नमस्ते करके हम आगे चले गए, फिर लंगर वंगर खाने, कुछ संगत बैठी हुई थी, जिन जिन को बोल रहे थे वो बाहर जाते गए। एंड संगत जी, जब बैसाखी वाले दिन इतना ब्यूटिफुल माहौल था, वो बड़े मंदिर पूरा सजा हुआ, अंदर हॉल सच्ची में लग रहा था जैसे अगर स्वर्ग है तो यही जगह है, ऐसे ही होता होगा स्वर्ग। वो भी हम गुरु जी ने हमें अटेंड कराया एंड बड़ी मौज कराई। एंड उसके बाद जब टुवर्ड्स दी आई मीन मे, तो गुरु जी एक दिन हम गए तो बड़े सारे स्वरूप बट रहे, तो गुरु अच्छा गुरु जी ने बैसाखी का कार्ड भी दिया था जो आज भी मेरे पास है, उस पे लिखा था गुरु जी विल ब्लेस हिज एंटायर संगत ऑन हिज ओन, सो यू कम। सो व्हेन वी वेंट, देवर मेनी, देवर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वरूप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, बिग स्मॉल पोस्ट कार्ड साइज, एंड सिंगला अंकल सारे स्वरूप बांट रहे थे, गुरु जी साइन कर रहे थे उस पे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिख रहे थे। हम बड़े खुश के गुरु जी के, हमें तो पता भी नहीं था स्वरूप बोलते हैं, फोटो मिल रही है गुरु जी की, एंड वी डिडंट नो कि ये इस फोटो में, इस स्वरूप में कितनी ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। मैंने, मुझे याद है मैं सिंगला अंकल खड़े थे तो उनके हाथ में काफी सारे थे, मैंने तो बड़ा वाले दे दिया, देन आई सेड और दे दो अंकल, और ये और भी, कहते हाँ जी आंटी लो लो, बहुत आई मीन ही गेव अस एटलीस्ट, कुछ लैमिनेटेड वाले भी थे छोटे बड़े। एक स्वरूप ये लगा हुआ है जो गुरु जी ने दिया था। उसके बाद हमने उनको फ्रेम कराए रखे, वी डिडंट नो कि गुरु जी विल बी टेकिंग समाधि वेरी सोन, ही विल बी लीविंग हिज ह्यूमन फॉर्म एंड हिज चोला, एंड दैट्स वाई ही वॉज ब्लेसिंग हिज संगत विद ऑल दीज लिटिल लिटिल ब्लेसिंग, जो लिटिल नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिससे हमारे पता नहीं कौन कौन से जन्म जन्मों के आई डोंट नो कर्म कटे हैं। 31st में ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर अंकल कहते हैं कि जो संगत काफी आ रही है, अब थोड़ा सा हफ्ते में 2 दिन कर दीजिए, बिकॉज संगत काफी बढ़ रही है। सो दैट मीन्स गुरु जी चाहते थे कि जितने भी संगत आ सकती है उनके पास, उनको बुला के ब्लेस कर दे, तभी जो संगत काफी जा रही थी उनको बोला गया कि आप हफ्ते में 2 दिन आइए। हमें कुछ नहीं पता था संगत जी के इन चीजों की, व्हाई दीज थिंग्स आर बीइंग सेड। सो 31st में वी गॉट टू नो दैट सडनली इन द मॉर्निंग आई रिमेम्बर दैट गुरु जी हैज लेफ्ट हिज चोला, एंड वी वर डिस्ट्रॉट दैट वॉट हैज हैपन्ड। सो फटाफट हम तैयार होके वी वेंट टू बड़े मंदिर, एंड देयर वी डिड अंतिम दर्शन ऑफ गुरु जी, एवरीबडी वॉज क्राइंग के
आई मीन के क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था. वी थॉट ही हैज गॉन, बट देन हमें सबने बोला कि नहीं, गुरु जी इज ओनली प्रेजेंट, ही हैज नॉट गॉन एनीवेयर. अब जब वो चोले में नहीं है तो ही कैन डू मच मोर फॉर हिज संगत. जो वो चोले में रह के उनकी लिमिटेशंस थी व्हेन ही वाज इन हिज ह्यूमन फॉर्म, बट नाउ ही कैन डू मच मोर एंड ही कैन कीप ब्लेसिंग द संगत. अच्छा, हमें हमें लगता था गुरु जी और हम, दैट वॉज अ लिटिल वर्ल्ड विद गुरु जी. एंड उनके जाने के बाद इट वॉज लाइक के नाउ व्हाट विल हैपन. आदत इतनी गुरु जी की जैसे एक आदत सी पड़ गई थी हमें कि जानो उनका इतना प्यार मिलता था, इतना अच्छा लगता था, इतनी यू नो पॉजिटिविटी आती थी उस दरबार में जाके. हमें लगा तो हमारा बस जाना बंद. फिर बड़े मंदिर में यू नो पता चला जाते हैं, फिर हम कभी कभी बड़े मंदिर के दर्शन करने चले जाते थे, पर वो धीरे 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 वो कम होता गया, कम होता गया. एंड घर में ही गुरु जी का जो स्वरूप था उसी के आगे हाथ जोड़ते थे, मिस भी करते थे, बहुत कुछ होता था. फिर एक दिन हमें नहीं पता था गुरु जी के सत्संग होते हैं, हमें कुछ नहीं पता था, वी वर अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग. एंड गुड़गांव में इतने सत्संग होते थे, इतने सत्संग होते थे, पर संगत जी हमारी को कुछ नहीं इंफॉर्मेशन थी, बिकॉज हमने सिर्फ जैसे गुरु जी को आमने सामने देखा था. हमें लगता था गुरु जी थे, पर सब कहते थे नहीं गुरु जी तो अभी भी आपके पास है, पर एक वो यू नो बिलीव धीरे धीरे आया, यस गुरु जी इज देयर, बिकॉज आदत एक पड़ गई थी उनको देखने की. सो उसके बाद एक दिन मैं ऐसी बैठी थी एंड मेरे को लगा कि गुरु जी आप वाकई में 2015 में, यस आई विल गो बैक लिटिल, 2015 में मेरे हस्बैंड बहुत बीमार पड़े एंड उनको न्यूमोनिया हुआ जिससे उनकी किडनीज पे इम्पैक्ट आया. एंड डॉक्टर्स ने उनको एडमिट किया कि ही वॉज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर्स वर ऑलमोस्ट गिविंग अप के कुछ कह नहीं सकते. एंड ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन, तब मेरी बेटी भी थी, छोटी थी बहुत. सो हम मतलब पूरी जैसे होते हैं ना, दुनिया ही उलट गई हमारे लिए. इन दी एंड मेरी मम्मी ने बोला बेटे कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ गुरु जी पर दास लगाओ कि गुरु जी सब ठीक करो. सो गुरु जी ने वाकई में उनको ठीक किया. टूडे ही इज हेल्दी एंड टच वुड फ्री ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, ही इज परफेक्टली फाइन. वो एक फेज आया था जो कहते हैं ना गुरु जी जो हमें 10% काटने होते हैं अपने, वो कटवा हम खुद काटते हैं, 90% कटवा देते हैं. सो उसके बाद मेडिसिन चल रही थी, मतलब थोड़ा तो यू नो लिमिटेशंस हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हो गई हेल्थ वाइज. सो थोड़ा सा अपसेट थी मैं कि क्या हो रहा है इतनी यंग एज में. सो एक दिन मैं गुरु जी को बोला गुरु जी आप वो मतलब नहीं हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड जैसे एक होता है ना आई वॉज क्वेश्चनिंग, एंड तभी मेरी मासी का फोन आया कि अच्छा सुनो मैं ना कल गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ अपने घर पे, आप आओ. तो मैं कहा सत्संग कर रहे हो? तो कहती है हाँ आप आओ मैं बताऊंगी. मैं कहा छाप कब जुड़े? कहती वो सब मैं बताऊंगी आप आओ. तो मैंने कहा ठीक है. जब मैं वहां गई मैंने देखा गुरु जी की गद्दी लगाई हुई है, लंगर प्रसाद सर्व हो रहा है, चाय प्रसाद, ऑल द प्रोसेस वॉज सेम लाइक वॉट इट यूज टू बी इन एम्पायर स्टेट. सो आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाई ऑल दैट. फिर मैंने देखा संगत भी इतनी है. फिर जेठरा अंकल आए हुए थे वहां पे, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया. फिर मैं कहा ओके सत्संग ऐसे करते हैं, यहाँ हो रहे हैं. एंड मैं इतना इतना फैसिनेट हो गई, मैंने कहा मुझे भी अपने यहाँ सत्संग करना है. एंड मैंने गुरु जी को एक क्वेश्चन किया था कि गुरु जी आप रियली में हो हमारे अंकसर? एंड गुरु जी ने मुझे कैसे जवाब दिया, मुझे सत्संग में बुला के, और मे बी वो चाहते थे कि मेरे यहाँ भी सत्संग स्टार्ट हो, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सो उसके बाद एक दिन मैं बैठी हुई थी एंड आई वॉज जस्ट लाइक लिटिल यू नो वी ऑल हैव अ डल डेज, सो इट वॉज अ लिटिल माई डे स्टार्टेड एट अ डल नोट. एंड मैंने ऐसी बैठी थी तो मुझे आई जस्ट विजुअलाइज कि गुरु जी मेरे पीछे खड़े हैं रॉकस्टार चोले में और मुझे लिटरली धक्का दे के कह रहे हैं जा उठ सत्संग कर. मैं भागी भागी अपने हस्बैंड के पास गई. इट वॉज अ ट्यूजडे मंडे, सो अगले दिन नवरात्र स्टार्ट हो रहे थे. मैंने कहा मैंने कल सत्संग करना है और कल ही करना है. मेरे हस्बैंड कहते हैं सत्संग तो करना है बट कहाँ से आएगी संगत और सारा प्रिपरेशन करना, बिकॉज हमें तो ये पता ही नहीं था कि सारी प्रिपरेशन हमें क्या करनी है, हमारी तो कोई औकात नहीं है, वो सब गुरु जी करते हैं. बट बैक एंड पे तो गुरु जी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं. बट हमने कहा चलो यू नो वी डिडंट नो एनीथिंग. सो हमने कहा कि क्या करेंगे. तो मैंने अपनी मासी को फोन किया, कहती कल तो वैसे भी पहला नवरात्र है, बहुत यू नो वेरी गुड डे टू डू, करो हम, डोंट वरी संगत भी आएगी और सब हम कर लेंगे, तुम बस एक चोला लगा देना
सिंपल जैसा भी, मैं कहा मेरे पास तो कोई चोला कुछ नहीं है, बस जो था ब्रांड न्यू हमारे पास एक मटेरियल, हमने वो लगाया सिंपल वे में, हमने सत्संग किया। एंड संगत जी कहाँ, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि 10-12 लोगों के, गुरु जी ने एटलीस्ट नाना करते करते 30 संगत भेजी। एंड सारा कुछ हमारा होममेड था, सारा लंगर, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सत्संग। एंड क्या संगत ने सत्संग शेयर किए। एंड उस दिन कहते हैं ना गुरु जी, कहते हैं मुझे ढूंढो मत कि मैं यहाँ पे, इंप्रेशन है मेरा यहाँ पे है, मैं तो विराजमान हूँ अपनी गद्दी पे। बट स्टिल गुरु जी ने अपनी बहुत प्रेजेंस दिखाई उस दिन, जो मैंने उनकी गद्दी के आगे, गद्दी एक छोटी रखी थी उनके चरण के लिए, उस पर रुमाला बिछाया था। बाद में संगत ने, सबने नोटिस किया, उस पूरे गुरु जी के जैसे चरण स्वरूप में चरण है ना, बिल्कुल उस शेप में, ऑल हिज वेब ऑफ हिज फीट, उसका इतना मेजर इंप्रेशन था कि जैसे गुरु जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। सो इतनी फ्रेग्रेंस, इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। उसके बाद तो सिलसिला ऐसा चला कि चलता गया चलता गया। एंड फिर मैंने एक सत्संग रिसेंटली सुना कि गुरुजी ने एक बच्चे का अस्थमा खत्म किया कह के चंगा मुंडे। फिर आई ज्वाइन द डॉट्स, मैंने कहा यस, वो चंगा मुंडा जो गुरुजी ने बोला था, उनको पता था हमारे पे ये मुसीबत आने वाली है, एंड ये मुसीबत उन्होंने चंगा मुंडा कह के हमें ब्लेस किया। एंड उसके बाद लाइफ वॉज हैज बीन वेरी गुड अंडर द ग्रेस ऑफ गुरु जी बाई हिज ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। एंड 2019 में संगत जी, हमारा बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ऐसा एक्सीडेंट था कि आज मैं अगर आपके सामने बैठ के अपना सत्संग सुना रही हूँ, और मैं मेरी सांसें चल रही हैं, तो वो सिर्फ सिर्फ हमारी गुरु जी की मेहर है। हम पूरी फैमिली कार में जा रहे थे, एक गाड़ी ने आके हमें मारा, बिकॉज दैट पर्सन वॉज अंडर द प्रेशर ऑफ एल्कोहल। उस ड्राइवर ने आके इतनी बुरी तरह हमारी गाड़ी को मारा कि हमारी गाड़ी का तो हाल जो था वो मैं नहीं बता सकती कि क्या हाल हो गया था। एंड अंदर कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि अंदर जो लोग हैं वो बच्चे होंगे। उस गाड़ी में मैं बहुत शब्द सुनती थी, जब भी मैं वो गाड़ी लेके जाती थी मैं शब्द ही चलाती थी। एंड गुरु जी का मैंने स्वरूप लगाया हुआ था, वो स्वरूप आके बिल्कुल डैशबोर्ड पे गिरा, और जब हमने देखा वो गाड़ी आ रही है, माई हस्बैंड को गेज कहती है ये मारेगा। एंड मेरे हस्बैंड ने हाथ ऊपर करके बोला जय गुरु जी बचा लो। एंड गुरु जी ने हाथ देके हमें बचाया संगत जी। एंड इस एक्सीडेंट का मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मेरे को गुरु जी एक तरह से मुझे बता के गए थोड़े महीने पहले कि एक्सीडेंट होगा। कैसे, हम अक्टूबर में, दिसंबर में एक्सीडेंट हुआ, मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन। वी वर कमिंग बैक आफ्टर हैविंग डिनर, एंड उनको एक नई लाइफ मिली उस रात। एंड 2 महीने पहले हम रामगढ़ एक हिल स्टेशन, अगर आपने पहले की संगत के सत्संग सुने हैं कि गुरु जी रामगढ़ बहुत जाते थे, जो नैनीताल के आगे एक छोटा सा हिल स्टेशन है। सो वहां पे हमारा प्लान बना 2 कपल्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, कि चलो रामगढ़ चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। सो हम गए वहां पे, छोटी सी लॉज में, छोटा हिल स्टेशन, छोटी छोटी वहां लॉज बनी होती है। सो हमने वहां चेक इन किया, एंड एक्चुअली टोटल में वहां 12 ही कमरे थे उस लॉज में। सो वेरी फ्यू चेक इन वर देयर, एंड हम थे और एक और सरदार अंकल की फैमिली। सो हम जब ब्रेकफास्ट करने जाते थे वहां पे हॉल में, सो सरदार अंकल ने हमसे बातें करना शुरू कर दिया। एंड वो सरदार अंकल जो थे, ही वॉज अबव 80s, वेरी 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 गुड सोल। एंड वो हमसे बातें करने लगे, और हमारे को हमारी मेरे हस्बैंड से उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा, और जैसे कहते हैं बेटा मैं फेस रीडिंग करता हूँ, तो कुछ कुछ बताने लग गए। एंड कहते हैं आई मीन डोंट वरी, आई डोंट चार्ज एंड ऑल, मेरा प्रोफेशन नहीं है, बट मेरे में एक कोई पावर्स हैं जो गुरु नानक देव जी ने मुझे जैसे बख्शी हुई है। एंड मैं, अगर मुझे लगता है किसी का अच्छा या बुरा जो भी होता है, मैं उसको पहली बता देता हूँ कि बट डोंट टेक मी रॉन्ग। तो मेरे हस्बैंड को क्यूरियोसिटी थोड़ी हो जाती है, तो मेरे हस्बैंड का उन्होंने बताया, बातें करते रहे, वेरी नाइस, यू आर वंडरफुल, वेरी हेल्पफुल पर्सन, ये है वो है, करते करते कहते हैं बेटा आप ना एक्सीडेंट आप से बचना, एक्सीडेंट आपका होने के चांसेस है, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो चाहे आप नहीं चला रहे। तो मैं तो डर गई, मेरा बेटा भी डर गया। उसके बाद कहती है मैं बाहर गार्डन में बैठा हूँ, और कुछ पूछना है तो आप यू मोस्ट फ्री टू आस्क। हमारी जैसे एक बहुत फैमिली जैसा, एक हमारी अंकल से फ्रेंडशिप होगी उनकी फैमिली से। सो जब वो बैठे थे गार्डन में, अंकल से बात करने चली गई, मुझे बड़े मजा आ रहा था उनसे बातें करते हैं, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग वेरी स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग्स। ही वॉज टेलिंग, इतनी नॉलेज दे रहे थे चीजों की। एंड ही वॉज अ राइटर, ही यूज टू से कि मैं लिखता भी हूँ, एंड ही राइट्स ब्यूटिफुल कोट्स, तो कहते मैं लिखता भी हूँ। सो अंकल बैठे थे, एंड आई वेंट एंड सैट विद हिम।
एंड मैं ऐसी बातें करने लगी तो बताने लगे, फिर गुरु ग्रंथ साहब की बातें हुई सभी, तो मैंने कहा हाँ जी अंकल एक गुरु जी भी हैं जो शिव जी और नानक देव जी का रूप है। तो मुझे कहते हैं तुसी केड़े गुरु जी की गल कर रहे हो, वो जे छतरपुर विच उन्हां दा मंदिर हैगा? मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहते बड़े सोने सोने चोले पाते सी के हुण ते उन्होंने चोला छट दिता। मैंने कहा हाँ जी अंकल आपको कैसे इतना पता, आप भी मिले हुए हो, आप मतलब गुरु जी से कनेक्टेड हो? कहते नहीं पुत्र मैं ते एक बारी मिलिया, वो जब दिल्ली बैठते सीगे ना एम्पायर स्टेट कोई जगह सीगी। मैं कहा हाँ जी अंकल तो आप कैसे मिले? कहते हैं पुत्र मैं ते एक बारी मैं बड़ा परेशान सीगा, मेरे उत्ते कोई कोर्ट केस, गलत कोर्ट केस किसी ने कर छड़ दिया सी। सो मैं उत्ते गया एंड मैं उत्ते गया ते मेरे रिलेटिव सीगे, तो कहंदे ने कि तुसी चलो मेरे साडे नाल ते गुरु जी है। कहते मैं बड़ा डिसइंटरेस्टेड सा सीगा, सो मैं कह मैंने मैं किथे नहीं जाना। कहते नहीं चलो वह शब्द बानी चलते हैं, गुरुद्वारे वाला माहौल होता है तो आप चलो हमारे साथ। मैं कहा चलो चलने में क्या हर्ज है, वहां बैठ जाएंगे जाके। कहते हैं सो आई मीन आई जस्ट वेंट एंड सैट देयर, पीछे अपना बैठ गया एम्पायर स्टेट में बिल्कुल पीछे जाके बैठ गया एंड गुरु जी ने मुझे बुलाया। कहते हैं जब हम लंगर करके आगे लेने के, कहते उरे आ, तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी मतलब हाँ जी। तो कहते हैं टेंशन ना लाया कर, जा कल्याण की तैश कर। कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोल के, मेरे को लगा ऐसी ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह होंगे, कोई गुरु होंगे ऐसे ही बोलते हैं ये लोग, एंड कुछ बोल दिया, समझ नहीं आया बिल्कुल ना समझ की तरह मैं बाहर आ गया। कहते नेक्स्ट डे मेरी कोर्ट में तारीख थी एंड वहां पे मेरे को जब मैं जाने लगा तो कहते जी आपका तो केस ही रद्द कर दिया गया है, द केस इज ओवर बिकॉज जज दी बदली हो गई है, सो दिस केस इज नलिफाइड। लाइक तो कहते हैं फिर मैनू लग गया गुरु जी ने कुछ, थे मैनू मेरे रिश्तेदारों ने बोला देखो गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया, तो बस इतना बोला। कहते वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, वेरी हैंडसम गुरु जी वॉज ना। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं फिर मुझे कहते हैं मैं पुत्र मैं तो इतनी बड़ी दुनिया च देखो असि कितने मिले जाके, रामगढ़ है ना हिल स्टेशन में छोटे जे, तो की पता मैंने गुरु जी ने तुहाडे कोल भेजे है तुहानू मिलान वास्ते, तुहानू ऐसा दसन वास्ते। तो उस टाइम मेरे को समझ नहीं आई, पर जब मैंने अंकल की आईज में देखा तो हिज आईज वर नॉट लाइक नॉर्मल, दे वर लाइक जैसे बड़ी शाइन थी उनकी आंखों में, बहुत ब्यूटिफुल, एंड हिज फेस टर्न रेड व्हेन ही सेड दिस, एक्चुअली पिंक, एंड ही वॉज लुकिंग लाइक नॉट लेस देन गॉड। एंड मैं मतलब एक सेकंड के लिए बड़ी शॉक्ड और स्टंड हो गई, अंकल ने ऐसे कैसे बोला। फिर जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब मैंने डॉट्स ज्वाइन किया और मैंने कहा यस वो अंकल गुरु जी कहते हैं ना संगत के रूप में आते हैं, वो अंकल गुरु जी बन के आए थे, अंकल बन के, एंड हमें बता गए और उन्होंने कहा भी था कि आप बच जाओगे। सो लाइक दैट गुरु जी की ब्लेसिंग्स कब और कहाँ कैसे ब्लेस कर दे, हम सोचना भी चाहें तो हमारी सोच के बहुत परे है चीजें। इसी तरह गुरुजी ने मेरे पापा का कैंसर ठीक किया, मेरे पापा को बहुत हाई ग्रेड कैंसर था, उनकी 6 सर्जरीज हुई थी एंड सीनियर सिटीजन एंड पहले डायबिटिक भी रह चुके हैं, सो उनका कैंसर गुरुजी ने ठीक किया बिल्कुल, मेरे पापा ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। तकलीफ बहुत सही, उन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा हम सब ने, एंड जब मेरे पापा की लास्ट कीमो सर्जरी हुई तो उसके बाद एक स्कैन होता है सर्जरी के पार्ट 2C कि अब कुछ है तो नहीं अंदर, बहुत सारा उनका मतलब हाल अंदर से बहुत खराब था, बट जब सर्जरी स्कैन हुआ इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर। सो जो उनके डॉक्टर थे वो कहते हैं मिस्टर सबरवाल आप कौन से भगवान को मानते हो? तो मेरे पापा कहते हैं कि मैं तो जी एक ही भगवान को मानता हूँ, वो हमारे गुरु जी हैं, वही हमारे माशे में, एंड मुझे पूरा भरोसा था वो ठीक कर देंगे, उनकी रजा में राजी, उन्होंने जो भी इम्तिहान भी लेना होता मैं आई वॉज रेडी, बिकॉज क्या कर सकते हैं, यू कांट हेल्प इट। सो कहते हैं यस बिकॉज आपको किसी सुपर पावर नहीं बचाया है, बिकॉज आपका हाल बहुत खराब था अंदर से। सो दिस इज आर गुरु जी, ये है हमारे गुरु जी। एंड उसके बाद मेरी मम्मी को फर्स्ट वेव जब कोविड की आई थी, मेरी मम्मी को कोविड हुआ, शी इज 77 ईयर्स ओल्ड, एंड काफी उन दिनों कोविड वॉज लाइक वेरी वेरी ड्रेडफुल एंड डेडली टू इवन कम टू टर्म्स विद, एंड यही हो रहा था जो बीमार पड़े हॉस्पिटल बिकॉज एवरीबडी वॉज थिंकिंग हॉस्पिटल इज द सेफेस्ट प्लेस टू गो टू, बट जो जा रहे थे बहुत कम थे कि जो वापस भी आ रहे थे घर, एंड आई फील वेरी सैड कि जो जिन लोगों की इसमें जाने गई हैं।
एंड हम बहुत डरे हुए थे, मेरी मम्मी के वाइटल्स भी ज्यादा ठीक नहीं थे जब हमने उनके रिपोर्ट्स वगैरह आई उनकी। तो उस दिन रात को मैं बहुत रोई घबरा के, बिकॉज मैं उनके पास भी नहीं जा सकती थी, ऐसी बीमारी है ये, एंड मेरी सिस्टर्स भी यहाँ नहीं रहती, दे आर अब्रॉड। सो मैं रात को मंत्र जाप करके सोने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी सिर्फ आप हो जो मेरी बातों का जवाब दे सकते हो, आप प्लीज मुझे बताओ, मम्मा को सपने में आके इतना बोल दो, आप सपने में दर्शन दे दो, आप तो इतने दर्शन देते हो, आप सपने में दर्शन दे दो गुरु जी कि मम्मी ठीक हो जाएंगी, मम्मी को हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। सो श्योर इनफ वो मेरे सपने में आ गए गुरु जी, उन्होंने इतने स्वीट दर्शन दिए मुझे, उन्होंने सपने में पूरा सत्संग करवाया, सत्संग की गद्दी सज रही है सब, और गुरु जी को मैंने इमेजिन किया, गुरु जी रॉक स्टार चोले में बैठे हैं गाल पे हाथ रख के, एंड जो बड़े मंदिर में ब्रास वाले बड़े शिव जी हैं वो शिव जी भी मुझे नजर आए वहां पे सत्संग में। एंड सुबह मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, बिकॉज मेरी मम्मी मेंटली बहुत यू नो शी हैड काइंड ऑफ ब्रोकन डाउन, बिकॉज उनको लगता था कि क्या हो गया मुझे, कौन ध्यान रखेगा, यू नो। सो मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मुझे गुरुजी सपने में आए हैं। एंड मम्मी को मैं रोज एक प्लेलिस्ट भेजती थी, एंड मम्मी की बाय चांस अमृत वेली आँख खुलती थी एंड मम्मी वो प्लेलिस्ट सुनती रहती थी। एंड मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन शी रिकवर्ड अंडर होम आइसोलेशन। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, वो हर पल हर टाइम हमारा हाथ थामे रखते हैं, कभी हाथ नहीं छोड़ते। सो ऐसे छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं लाइफ में। अभी मैं रिसेंट सत्संग एक सुनाती हूँ, एक मेरी सिस्टर है करण गोबिंदगढ़ में, सो शी नोज गुरु जी फ्रॉम हर जलंधर डेज। तो गुरु जी ने कुछ ऐसे हमें साथ में ब्लेस करते हैं कि हमें डुगरी दर्शन में पहली बारी डुगरी गई पिछले साल, वो उन्होंने हमें एक साथ कराए, इस बारी जलंधर दर्शन एक साथ कराए 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन, एंड पिछले साल 7 जुलाई को। तो आपको सबको याद होगा इट वॉज लॉकडाउन, सो सब अपने अपने घरों में बैठ के गुरु जी का बर्थडे मना रहे थे। सो मेरे को मैंने भी सत्संग पूरा तैयारी की हुई थी कि सत्संग करेंगे गुरु जी के बर्थडे पे हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के। सो मैंने अपनी सिस्टर करण को मैसेज किया कि मैं ना जूम पे जाऊंगी या मैं आपको लिंक भेज दूंगी, यू कैन अटेंड द सत्संग विद विद अस। शी जस्ट मैसेज मी दैट एक्चुअली इट वॉज अ डॉटर मैसेजिंग ऑन बिहाफ इन करण न्यू के क्या क्या टाइप कर रही है। तो कहती है कि कैन वी अटेंड द सत्संग इन पर्सन, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। तो फिर मैंने मेरे को क्लिक किया, मैंने कहा अच्छा शी इज आस्किंग शी कैन कम, मैंने कहा ऑफकोर्स मोस्ट वेलकम, आप कल ही आओ। एंड वो कहती है कि आई यू वोंट बिलीव ज्योत्सना, मैं अपने गार्डन में सैर कर रही थी शाम को और मैं कह रही हूँ गुरु जी मैंने आज तक आपका एक भी सत्संग ऐसे अटेंड नहीं किया, आपके बर्थडे पे बड़े सारे सत्संग हो रहे हैं तो कहीं भी नहीं आप बुलाओगे। एंड मेरा मैसेज उनको चला गया, मैंने क्या भेजना था, गुरु जी का मैसेज था, गुरु जी का बुलावा था, गुरु जी का सत्संग होता है, हमारा कुछ नहीं है। सो शी सेड ठीक है, उन्होंने पैकिंग की अपने बच्चों के साथ। नेक्स्ट डे शी वॉज हियर, अ डे बिफोर गुरु जी बर्थडे शी वॉज हियर। तो जब बैठे हुए थे बातें कर रहे थे बड़े, हमने कहा चलो, मैंने बोला मैंने कहा आई वुड लाइक यू टू डू द दरबार से वॉल्स। कहती है श्योर, वी वर सो एक्साइटेड सो हैप्पी। सो जब वो पहुंची मेरे बेटे ने पूछा आंटी आप बड़े मंदिर कभी नहीं गए ना, कहती नहीं बेटा। अच्छा मेरे, मैं हमेशा गुरु जी से कहती थी कि प्लीज गुरु जी मुझे छोटी सी एक सेवा देना कि जब भी बड़े मंदिर करने जाए तो मतलब मैं उनको लेके जाऊं अपने साथ। तो गुरु जी ने तो हमारी हर अर्जी अर्जी कबूल कर लेते हैं, सूनर और लेटर करते ही है, चाहे देर से चाहे पहले। सो गुरु जी आई मीन मेरे बेटे कहते चलो आंटी, एंड इट वॉज मंत्र जाप स्टार्ट होने वाला था, कहते चलो आंटी मैं आपको बड़े मंदिर दिखा के लाता हूँ, अंदर तो जाने नहीं है, बाहर से दर्शन कर लेंगे। तो वो बच्चे उनके हम सब बैठे, एंड मेरे हस्बैंड घर पे थे, सो हम सब बैठ के हम गए एंड बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पे अंकल ने हमें उतरने भी दिया एंड उनको बिस्किट प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, अंकल ने स्पेशल उनको लाके दिया एंड शी वॉज सो हैप्पी। एंड हमने वहां अरदास की। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो अभी हम ऑलमोस्ट मुड़ गए थे जो हमारा रास्ता है एक्चुअली गुड़गांव आने का, बट सडनली मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा करण आप एम्पायर स्टेट के दर्शन करना चाहोगे, तो कहती है हाँ। मैं कहा बिकॉज हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी गुरु जी के साथ, सो आई वुड लव लाइक यू टू सी दैट प्लेस। शी सेड हाँ हाँ वाई नॉट। तो मेरे बेटे ने वापस डी टूर किया, गाड़ी मोड़ी एंड इट वॉज पीक आवर्स, बिल्कुल मतलब 8 आई थिंक बजने वाले थे। एंड मेरे बेटे कहते चलना है, मैंने कहा चलो। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को मैसेज किया, मैंने कहा बिकॉज घर आके हमने डिनर करना था, अगले दिन की तैयारियां करनी थी, मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया
कि हम एम्पायर से जा रहे हैं, पता तो था अंदर तो जा ही नहीं सकते तो, पर बाहर से दर्शन कर लेंगे। तो मैं कहा जा रहे हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी द प्लेस। मेरे हस्बैंड कहते ठीक है व्हाट एवर योर स्वीट विश, बट अंदर तो जा नहीं पाओगे क्या, मतलब बाहर बाहर से करोगे दर्शन और इतनी भीड़ होगी, भी इतना ट्रैफिक मिलेगा, फिर घर आके तैयारी भी करनी है, तो देख लो सूट योरसेल्फ। मैं कोई बात नहीं, अब सोच लिया जाने का, ये भी गुरु जी ने सोच ही दिया, चलो गुरु जी पे छोड़ दो जहां तक वो ले जाए। तो हमने पूरा गए, हमने गूगल मैप ऑन करके देखा, 12 मिनट दिखा रहा था, एग्जैक्ट 12 मिनट में हम एम्पायर स्टेट के बाहर थे। वहां गार्ड अंकल कहते हैं आंटी आप जा नहीं सकते। मैं कहा अंकल ये संगत पंजाब से आए हैं, दूर से आए हैं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, बस आप यहाँ, हम मैं और मेरी फ्रेंड चल हम चल के चले जाते हैं, मैं और मेरी सिस्टर, एंड आप बस बाहर बाहर जो छोटा मंदिर है अंदर, सिर्फ बाहर से हम एक बारी मत्था टेक के आ जाएंगे, अब सारे लोग नहीं उतरेंगे। तो कहते हैं चलो कोई नहीं, अंकल ने गेट खोला, गाड़ी अंदर जाने दी। तो हमने को तो कहा वेरी गुड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हमने गाड़ी वहां बाहर खड़ी करके, एज प्रोमिस टू गार्ड अंकल, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर उतरे, और मैं वहीं पे कुछ कुछ लोग अंदर जा रहे थे जो संगत एम्पायर स्टेट के, और खूब फूलों की डेकोरेशन हो रही थी। तो मैंने वो फूल वाले भैया से पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ कौन है, मतलब अंदर क्या पता यहाँ तक आए हैं गुरु जी, थोड़ा लालच आ जाते, मैं कहा गुरु जी थोड़ा अंदर भी भेज दो, बट नहीं। तो हमने बाहर से मत्था टेका, मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी, मैं कहा मेरी सिस्टर को, मैंने कहा ये ये गेट है, हम यहाँ से जाते थे, और ये जो खिड़की नजर आ रही है ये आपका गुरु जी का गद्दी यहाँ लगती थी, इसके आगे लगी हुई है गद्दी। सो आई वॉज जस्ट गिविंग एन आइडिया ऑफ द इनसाइड दरबार ऑफ एम्पायर स्टेट। तो मैंने कहा एक दिन ना गुरु जी अपने हाथ से लड्डू प्रसाद बांट रहे थे, और हम इसी ड्राइववे पे खड़े थे लाइन में, इतनी लंबी लाइन थी, और मेरे आगे एक छोटा सा बच्चा था 10 साल का, तो उसकी मम्मी किसी को बता रही थी कि गुरु जी ना इसको इसकी डायबिटीज ठीक कर। मैं कहा तब मैं बड़ी शॉक्ड हो जाते थे, गुरु जी कैसे ठीक करते हैं, गुरु जी तो कोई उपाय नहीं बताते, गुरु जी कुछ नहीं बताते, गुरु जी ठीक कैसे करते हैं। तो मैंने कहा, एंड उस दिन हमें भी गुरु जी ने अपने हाथ से लड्डू प्रसाद दिया, एंड मेरी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे, बिकॉज आई वॉज रिमेम्बरिंग दैट टाइम, गेटिंग नॉस्टैल्जिक, एंड मैं बहुत इमोशनल हो गई। एंड मैंने जैसे ही मैं उसको बता रही थी, अंदर से एक सेवादार अंकल आए लड्डू का डिब्बा लेके, एंड हमें कहते हैं आंटी ये लो लड्डू प्रसाद। एंड मैंने कहा अंकल, मैं एक मेरे बच्चे भी गाड़ी में बैठे, कहते हाँ जी हाँ जी आंटी दो लो, तुसी दो लो। सो ही गेव टू टू माई सिस्टर, टू टू मी, एंड मैंने कहा इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं गुरु जी, आपका हम किस क्या प्रूफ मांगते हैं आपसे कि आप हमारे अंगसंग हो के नहीं, हम इतने ना समझे, आप तो हमारे अंदर हो। मैंने तो लड्डू प्रसाद की सिर्फ बात की, और मैं क्योंकि मैं रो रही थी, गुरु जी हमारा भाव देखते हैं, और गुरु जी ने कहा कि डोंट वरी आई एम देयर। उन्होंने मुझे पूरा वही वाला टाइम याद दिला दिया बाय सेंडिंग एग्जैक्टली द ऑरेंज लड्डू प्रसाद जो गुरु जी ने अपने हाथ से हमें उस टाइम दिया था जब गुरु जी चोले में थे। सो दीज आर द लिटिल लिटिल थिंग्स। एंड मुझे ना संगत जी, मैं जब मैं शादी से पहले जब जॉब करती थी, तो मैं सडनली मेरा बेंड शिव जी की तरफ हुआ कि मैं शिव जी से बहुत कनेक्टेड हो गई। तो जब हम गुड़गांव नए नए शिफ्ट हुए थे, तो वो जो शिव जी की एक मूर्ति है रेडिसन के पास, आप सबने देखी होगी, तो मेरे सपने में वो शिव जी आने लगे, और मेरे को ऐसे इमेजिन होता था कि मैं वहां पे बैठी हूँ शिव जी के आगे, उनके जटाओं में से गंगा बह रही है, और आगे गुरु जी अपनी गद्दी पे व्हाइट और गोल्ड चोले में विराजमान। सो आई यूज टू जस्ट कीप गेटिंग ऑन एंड ऑफ ये इमेजिनेशन, जब भी मैं आंखें बंद करती थी या कभी जैसे नैप ले रही हूँ, तो शिव जी से तो मैं तभी से कनेक्टेड हो गई थी, पर है तो सब एक ही ना, गुरु जी तो शिव जी गुरु जी। सो मेरा कनेक्ट गुरु जी से मैं ही नहीं कह सकती कि गुरु जी ने जब मुझे बुलाया तभी से, ये जन्मों जन्मों का है, हमें नहीं पता। सो सपने में एक दिन मैंने गुरु जी के स्वरूप है मेरी लॉबी में, मैं उसी स्वरूप से बहुत बातें करती रहती हूँ, एंड जब दुखी हूँ कोई खुशी हो या दुख हो, हर चीज में मैं गुरु जी से बात करती हूँ उसमें। सो एक दिन मैं ऐसे गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी मैंने आपके इतने लोग लोग हमें सब संगत करके, आप इतने ब्लेस्ड, आप कितने लकी हो कि आप गुरु जी से मिले हुए हो, आपने उनके चरण छुए हैं, बट गुरु जी जो हमसे भी पहले की संगत है, जो आपके हाथ पांव दबाते थे, वो हमसे भी ज्यादा ब्लेस्ड है। और गुरुजी मैंने आपको हमें जब भी चरण स्पर्श किया तो आपने जूतियां पहनी होती थी, बट आई हैव नेवर फेल्ट योर स्किन, आई हैव नेवर फेल्ट योर फीट, सो आई वुड हैव लव के मैं आपके चरण छू सकती, आपकी स्किन फील टच कर सकती। उसी रात गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए कि गुरुजी येलो से चोले में छोटे से कमरे में बैठे हैं,
एंड वहाँ पे संगत आंटी लोग चाय प्रसाद बना रही है, एंड वहाँ पे मैं लाइन में खड़ी हूँ गुरुजी से आज्ञा लेने। मेरे आगे एक अंकल है और मैंने ना ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होके देखा, तो मैंने देखा गुरुजी के येलो चोले में से पैर नजर आ रहे हैं, चरण नजर आ रहे हैं। मैं कहा वाह गुरुजी ने तो जुत्ती भी नहीं पहनी, आज तो मैं इनके चरणों पे गिर जाऊंगी, मुझे मौका मिले डांट खा लूंगी, पर कोई बात नहीं। एंड जैसे मेरी टर्न आती है मैं कुछ नहीं देखती, मैं आंखें बंद करके ऐसे नीचे उनके चरणों पे गिर जाती हूँ, मत्था रख लेती हूँ। एंड उनके चरण बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और रुई जैसे मुलायम, इतने सॉफ्ट, इतने गोरे, इतने गोरे। तो मैंने कहा मैं जब अपना सिर उठाऊंगी तो मैंने कहा मुझे तो आज डांट पड़ जाएगी, बिकॉज गुरु जी से हम अपने आप बात नहीं कर सकते जब तक गुरु जी ना चाहे। मैं कोई बात नहीं, गुरु जी की तो डांट में भी प्यार है, तो मैं खा लूंगी डांट। जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया गुरु जी मुझे कहते हैं आगे तो ऐदा ना करी, मैं तेनों ढेर सारा ब्लेस कर छिया। एंड आई वोक अप सो हैप्पी एंड आई वॉज लाइक यू नो खुशी के आंसू होते हैं जैसे आंखों में। सो गुरु जी इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। एंड अभी रिसेंटली गोविंदगढ़ में भी सिस्टर के यहाँ सत्संग था, एंड शी सेड कि आपने आना है, और पंजाब की गुरु जी के टाइम की संगत आ रही है। एंड वहां पे जब मैं हमारा मतलब यू कैन इमेजिन कॉलेज स्कूल बच्चों के सब, कोई प्लान नहीं था जाने का, कुछ नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऑल द वे यहाँ से पंजाब जाऊंगी। मेरे घर में कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, मैंने कहा गुरु, मेरे हस्बैंड का कुछ काम था चंडीगढ़ में पर वो डिले होता जा रहा था होता जा रहा था। तो मैंने अपने गुरु जी के साथ बैठ के चाय पी रही थी सुबह, मैंने कहा गुरु जी अगर तो आपको काम के लिए भेजना चाहते हो मेरे हस्बैंड को, तो प्लीज ऐसा करना ना कि सत्संग के आसपास भेज दो, तो काम भी हो जाए, पर मेन तो है आपका सत्संग अटेंड कर ले, काम तो होते रहते हैं। यू वोंट बिलीव, मेरी सिस्टर मेरे हस्बैंड से ही बात की, मेरे हस्बैंड कहते ठीक है देखते हैं। एंड गुरुजी ने कुछ ऐसा प्लान किया कि उनकी मीटिंग भी स्केड्यूल कर दी एंड हमारा सत्संग भी अटेंड करा दिया। और वहां पे मैं इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्लेस संगत से मिली, और कुछ अभी के जो टाइम की संगत है जिनसे हम जुड़ गए, यू नो गोविंदगढ़ की संगत है, वी हैव ऑल बिकम लाइक अ ब्यूटिफुल फैमिली। ऐसा लगता है जैसे उनको हम पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं। सो गुरुजी ने सारे पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव लोगों से मिलवाया है। हमारा दिन स्टार्ट होता है इतना सुबह संगत के साथ, सिर्फ गुरु जी की बातें करना, प्लेलिस्ट शेयर करना, गुरु जी के स्वरूप शेयर करना, यू नो अ डे स्टार्ट एट अ वेरी ब्यूटिफुल नोट एंड इतना अच्छा लगता है। एंड अभी एक बस आई थिंक टाइम हो रहा है, मैं एक और छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। सो आई वॉज प्लानिंग अ सत्संग कि मैं अपने घर में करूं करूं, एंड मैंने कहा चलो एक कलर, मैंने कहा गुरु जी आज मेरा ये वाला कलर का चोला मन कर रहा है कि मैं लगाऊं, एंड मुझे उसके साथ मैचिंग स्वरूप तो सारे अच्छे हैं, रेड है ब्लू वाला है व्हाट, बट एक होता है कि चलो यू नो मैंने कहा गुरु जी व्हाइट स्वरूप मेरे पास नहीं है बड़ा वाला आपका, बिकॉज व्हाइट गोज विद एवरीथिंग है ना। तो गुरु जी तो कहते हैं मेरा सिंपल सा दरबार लगाओ, पर हमारा खुद का ही मन करता है कि हम ये भी करें वो भी करें, बिकॉज वी लव गुरु जी सो मच। एंड मैंने कहा व्हाइट चोले वाला स्वरूप नहीं है, चलो मैं मंदिर बड़े मंदिर में सेवादार से पूछूंगी कि सेवादार अंकल से, अंकल आजकल अगर कोई ब्लेसिंग मिल रही है मंदिर खुला हुआ है तो मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ा पीछे ड्रैगन चोला वाला लगा है इसके पीछे भी एक सत्संग है, मैं बताऊंगी आपको। सो मैंने कहा मिल जाएगा। तो मैंने कहा फिर मैं काम में बिजी हो गई, मैं नहीं मैसेज कर पाई, पर मेरे माइंड में चल रहा था कि मेरी मम्मी के पास बहुत बड़ा वाला है ब्रह्मा विष्णु महेश का, मैंने कहा उनसे ले। मैंने कहा नहीं, पर गुरु जी कहेंगे तेरे को लेने सारे स्वरूप है गए तो तू क्यों मांग दिए। मैं कहा नहीं ये बात ठीक नहीं है, जो भी आपका स्वरूप है मेरे पास गुरु जी मैं वही लगाऊंगी, आप तो आपका तो हर एक स्वरूप इतना प्यारा है, आप इतने प्यारे हो। सो बट मैं फिर भी एक था कि व्हाइट एक होना चाहिए बड़ा व्हाइट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हाइट चोले वाला। नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड, माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड इन गुड़गांव, शी कॉल्ड अप एंड जस्ट जनरली टू हाल चाल पूछने के लिए हम बात करते हैं। फिर जब फोन रखने लगी कहती अच्छा सुनो मेरे ना मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्वरूप हैं, एंड प्लीज किसी को बहुत जरूरत हो अगर जो गुरु जी से मतलब बहुत कनेक्टेड है, जो उसकी कदर करे स्वरूप की, अगर किसी को जरूरत है तो आप प्लीज मुझे बताना, मेरे को बड़ा वो लग रहा है कहने में, पर मैं इट विल बी अ सेवा फ्रॉम माई साइड। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा कौन से कलर का स्वरूप है कौन से चोले, कहती बहुत बड़ा वाला है व्हाइट कलर का चोला है। मैंने कहा तो किसी को मत पूछो, आप मुझे दे दो वो स्वरूप, आई विल टेक इट। और मैं उनके घर से वो लेने गई। मैं तो मैंने उस अपनी फ्रेंड को ही सत्संग बताया, तो वो कहती है मैं तो शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड, कहती है ये कैसे गुरु जी सुन लेते हैं। तो एक दिन पहले तो मैं इतनी कश्मकश में थी कि गुरु जी मुझे व्हाइट चोले वाला स्वरूप चाहिए, अगर बड़ा वाला आपका कहाँ से मिलेगा।
सो दिस इज हाउ गुरु जी ब्लेसेस, मतलब ऐसे था जैसे गुरु जी उनके घर से खुद उठ के उनका घर ब्लेस करके फिर मेरे घर आए हैं कि चलो फोन कर तू सत्संग, यू नो. एंड दिस रेड ड्रैगन चोला ऑल्सो, अभी थोड़े महीने पहले मैं बड़े मंदिर गई एंड उस दिन मैंने जब जा रही थी ब्लेसिंग बूथ खुला हुआ था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा चलो ठीक है, सो गुरु जी का स्वरूप मिलेगा. सो मैंने ऐसे मन में सोचा, मैंने कहा गुरु जी आज बड़ा वाला स्वरूप दिलाओगे, मैं मन में बोल रही हूँ. एंड जब हम ब्लेसिंग बूथ पहुंचे तो वहां जो सेवादार आंटी ब्लेसिंग बांट रही थी, मेरी मम्मी भी साथ में थी, तो पहले मम्मी का बारी आई. मम्मी को सबको वो नॉर्मल A4 साइज वाले दे रहे थे. तो जब मैं गई तो सॉरी अंकल बैठे थे वहां सेवादार, प्रवीण अंकल ही थे, आई एम सॉरी. सो कहते हैं आंटी बड़ा वाला स्वरूप है आपके पास, ये रेड वाला? मैंने कहा नहीं अंकल मेरे पास ये वाला नहीं है. कहते चलो मैं आपको अंदर से ये वाला निकाल के देता हूँ. एंड गिव मी दिस ह्यूज स्वरूप. मुझे ड्रैगन चोले वाला हमेशा से शौक था कि मेरे पास ये बड़े साइज में स्वरूप हो. सो गुरु जी ऐसे हमें इतनी छोटी छोटी बातें इतने प्यार से पूरी करते हैं, इतने प्यार से पूरी करते हैं कि हम तो फिर भी मांगते रहते हैं, हमारी पर हम भी प्यार में मांगते हैं. हम यू नो वो सब तो मटेरियलिस्टिक चीजें तो हमें मांगनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो हमारी किस्मत में लिखी है वो हमें मिलेंगी, जो नहीं लिखी वो हमसे मिलके भी हमसे छिन जाएंगी, यू नो. बिकॉज गुरु जी को पता है हमारे लिए बेहतर क्या है, बट हमें सिर्फ गुरु जी से गुरु जी को मांगना है, उनका प्यार मांगना है. बिकॉज अगर गुरु जी का प्यार हमारे साथ है, गुरु जी हमारे साथ है, तो हमें और कुछ वी कैन यू नो एक्चुअली सेल अक्रॉस ऑल द ओशन, ऑल द ट्रबल्ड वाटर्स वी कैन सेल अक्रॉस इफ वी हैव गुरु जी वाया साइड हु इज होल्डिंग अवर हैंड. गुरु जी हमारी हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते हैं, हमें डुबोते भी हैं पानी में, हमें डुबकी लगवाते हैं पर डूबने से बचाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं. और जो हमारे पे बीतती है वो हमारे पिछले जन्म का जो भी लेखा जोखा होता है हम वही पूरा करने आए हैं संगत जी. सो हम हमें पूरा करने हैं 90% तो गुरु जी अपने पे लेते हैं. एंड सबको पता है कि पहले भी जब गुरु जी चोले में थे कितने लोगों की उन्होंने कैंसर जैसी बीमारियां ठीक की, अपने ऊपर लिया. गुरु जी used to be you know it used to affect his own body but he did all because he loves his sangat and hame unka jitna shukrana karna hai utna hi kam hai hamare liye. hame sirf unka shukrana karna hai, sirf wo hamare bhav dikhte hain, wo nahi dikhte ki hum unka darbar kaise saja rahe hain, hum unka you know langar kitne variety bana rahe hain, wo sab ye nahi dikhte. hame simple satsang karna hai, simple jo guru ji ko pasand hai, simple langar. गुरु जी कहते हैं सत्संग नु किटी पार्टी ना बनाओ, सत्संग नु सत्संग की तरह रखो. भजन बहुत अच्छे लगते हैं, सारे इतने अच्छे अच्छे आजकल लाइव सिंगर्स हैं जो गुरु जी के ब्लेस सिंगर्स हैं, बट गुरु जी कहते हैं सत्संग स्टार्ट करो तो इट शुड बी ओनली विथ शब्द. पहले शब्द बानी सुनो और उसमें व्याख्या हो तो और भी अच्छा है, एंड देन यू कैन फॉलो इट अप बाय भजन एंड ऑल. बट हमारा डिवोशन, हमारी डेडिकेशन सिर्फ गुरु जी की तरफ होनी चाहिए और हमारा कहीं पे नजर और जानी भी नहीं चाहिए. एंड संगत जी शुक्राना, थैंक यू वासन अंकल फॉर कनेक्टिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड कोई भूल चुक हो गई हो तो गुरु जी बहुत बहुत माफी. एंड गुरु जी की वडियाई करते करते तो आई थिंक मेरे को पूरी रात भी निकल जाएगी. सत्संग तो मेरे पास बहुत है बट आई थिंक आज के लिए इतना ही. जो गुरु जी की आज्ञा जितनी मुझे मिली है मैं उतना ही सुनाऊंगी, एंड नेक्स्ट टाइम गुरु जी फिर मौका देंगे तो फिर सुनाऊंगी. एंड थैंक यू महाराज, थैंक यू मेरे मालिक, शुक्राना, थैंक यू सो मच. आपने कोविड के टाइम में अपनी संगत को इतना बचा के रखा, एंड प्लीज कीप ब्लेसिंग योर संगत लाइक ऑलवेज. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.